इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत के बाद चेतेश्वर पुजारा और हार्दिक पांड्या ने चेन्नई में पिंक बॉल से प्रैक्टिस की। अहमदाबाद में तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी से पिंक गेंद से खेला जाएगा। पांड्या और पुजारा ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में अभ्यास किया। पांड्या ने 2018 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। उन्होंने राहुल चाहर के गौतम और शाहबाज नदीम की गेंदों पर सामना किया। वहीं पुजारा ने स्पिनर्स की गेंद पर अभ्यास किया। पुजारा ने दूसरे टेस्ट मैच में 21 और 7 रन बनाए थे। दोनों में 45 मिनट तक बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर और फील्डिंग कोच आर श्रीधर के मार्गदर्शन में अभ्यास किया। वहीं आपको बता दें कि गुलाबी गेंद से जसप्रीत बुमराह ने भी अपने हाथ खोले। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी जमकर प्रैक्टिस की, लेकिन जिस तरीके से पांड्या गुलाबी गेंद के सामने टटकर खेलते नजर आ रहे हैं, यानी देखना होगा 24 तारीख को अगर उन्हें टीम में मौका मिलता है तो एक बड़ा चेंज कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को काफी मजबूती मिल सकती है। पांड्या आए तो बाहर आए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।